अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। बैठक में राजस्थान से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, SIC महासचिव और असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक का एजेंडा भी जारी किया गया है। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संगठन चुनाव और वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री वहीं राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के सभी नेता मिलकर करेंगे। देखिए, ये तो वर्किंग कमेटी तय करेगी और वर्किंग कमेटी का फैसले में हम सब लोग शामिल है। बाकी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस का इतिहास है, हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज 25 साल भी गुजरात में एक एक गांव और ढाणी में मौजूद है। तभी तो 17 में हम बिल्कुल सत्ता के करीब आके रह गए थे। तो आखिर कोई तो ताकत है कांग्रेस के पास, एक विचारधारा है हमारे पास, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास नेतृत्व है। सत्ता में बने रहना या सत्ता प्राप्त करना अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती आई है और उन सिद्धांतों के बदौलत ही हम आगे गुजरात में भी सरकार बनाएंगे और देश की राजनीति में भी वापस कांग्रेस आएगी।